हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सराइटी। मध्य प्रदेश की दोस्तों एक और नई भर्ती आ चुकी है। आपकी जो भर्ती है मध्य प्रदेश में सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान में दोस्तों यहां पर निकाली गई है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में आपकी दोस्तों ये भर्ती रहने वाली है, ठीक है। 3 जिलों में ये आपकी भर्ती रहने वाली है। अब मैं बात कर लेता हूँ लास्ट डेट कब तक कर सकते हैं आप लोग आवेदन। तो 20 मई दोस्तों इसमें लास्ट डेट रहने वाली है, आप लोगों के लिए आवेदन रहेंगे निःशुल्क, ठीक है। यहाँ पर सैलरी की बात करूँ तो 12,000 से 20,000 प्रति माह आपको सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पर आप लोगों ने BA, BCom, MSW या कंप्यूटर का नॉलेज हो आपके पास तो आप लोग इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कहाँ से करना है नोटिफिकेशन डाउनलोड, कौन कौन सी भर्ती ये रहने वाली है। आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन रहता है दोस्तों, चैनल पे आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो करना लाइक। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले जो नोटिफिकेशन है वो मैंने कर ली यहाँ पर डाउनलोड। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपकी जो भर्ती रहेगी, पहली जो भर्ती रहने वाली है वो रहेगी फैकल्टी की भर्ती रहेगी दोस्तों, ये रहेगी बैतूल में आपकी रहने वाली है। एज बात करूँ तो मैक्सिमम 65 वर्ष रखी गई है। यहाँ पर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, MSW से हो आपका या MA से हो, ठीक है ठीक है, या MA से सोशोलॉजी हो या ठीक है यहाँ पर BSc हो, ठीक है एग्रीकल्चर के साथ, या BA विथ BEd हो, इनमें से कोई भी एक होगा तो आप लोग आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। वो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके पश्चात यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको जिस मान लो ये बैतूल की भर्ती है तो बैतूल की लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। दूसरा है यहाँ पर देखिए जो रहेंगे जो बैतूल के निवासी हैं या बैतूल के आसपास के जिले के हैं वो इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पर रहने वाला है। चलिए अब दूसरी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए जो दूसरी रहने वाली है वो रहेगी ऑफिस असिस्टेंट की। ये कहाँ कहाँ निकली है, बैतूल में और आपके नर्मदापुरम में, ठीक है यहाँ पर दो जगह आपकी ये निकली हुई है। मैक्सिमम 35 वर्ष एज रखी गई है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, देखिए आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हो, किसमें BSW हो या BA हो या BCom है, ठीक है, प्लस कंप्यूटर का नॉलेज हो तो आप लोग आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, आपको आना चाहिए बोलना, उस जिले का निवासी या उसके आसपास जिले का निवासी ही होना चाहिए तो आप लोग आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। एक और नोटिफिकेशन बताऊंगा आपको लास्ट में मैं। अब वहां पर देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर दोस्तों आप आओगे तो देखिए आपकी जो भर्ती रहेगी दोस्तों वो रहेगी कॉन्टेक्ट बेस पे दोस्तों आपकी भर्ती होनी है, ठीक है। यहाँ पे पहले रखा जाएगा 1 ईयर के लिए दोस्तों, बाद में इसको रिन्यू कराने आपको यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं आपको ये सैलरी बुक कराने वाली। देखिए दोस्तों जो रहेगी आपकी पोस्ट फैकल्टी की, यहाँ पर सैलरी रहने वाली है 20,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। और जो रहेगी ऑफिस असिस्टेंट की, यहाँ पर रहेगी 12,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर देने वाली। एक साल में दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए 15 दिन की छुट्टी है वो अवकाश यहाँ पर मिलने वाली, ठीक है। एक मंथ में 2 अवकाश आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। आप काम कहाँ करना पड़ेगा फैकल्टी का दोस्तों, नॉर्मल जो काम होता है ऑफिस में वो काम आपको ये करना पड़ेगा फैकल्टी में, और जो ऑफिस असिस्टेंट में जो काम होता है वो आपको काम ये करना पड़ेगा ऑफिस असिस्टेंट वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्शन कैसा रहने वाला है, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बात करूं तो आपका चयन दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर दोस्तों आपका यहाँ पर चयन यहाँ पर किया जाना है, ठीक है। आपको आवेदन कहाँ पर तो सबमिट एप्लीकेशन सबमिट करना, देखिए आपको जो रहेगा दोस्तों आवेदन अभी बताऊंगा कौन सा फॉर्म भरना है, वो फॉर्मेट दोस्तों आपको भर के इनका जो एड्रेस है, ठीक है, इस एड्रेस पे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर भेज देना है, ठीक है। जो पूरा एड्रेस है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस, ठीक है, यहाँ पर आपको भेज देना है यहाँ पर, ठीक है, ये रहेगा एड्रेस, ठीक है। एप्लीकेशन फीस तो देखिए आपकी कोई फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है, यानी आपको ये रहेगा निःशुल्क, ठीक है यहाँ पर। अब ये रहेगा दोस्तों आवेदन, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेट दोस्तों ये आपको यहाँ पे आपका लगाना पड़ेगा फोटो, ठीक है, यहाँ पे लगेगा फोटो। यहाँ पर दोस्तों आपका जो फुल नेम है वो लिखाएगा, ठीक है, यहाँ पर डेट आ जाएगी आपकी, ठीक है, यहाँ पर पोस्ट का नाम आ जाएगा, किस जिले के लिए करना चाहते हैं वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, आपको फुल एड्रेस, ठीक है, आप यदि विकलांग हैं तो वो लिखें, ठीक है, नहीं है तो आप लोग नो करें, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखना है 10वीं के आधार पर, ठीक है यहाँ पर। इसके पश्चात आप यहाँ पे आओगे तो आपका जो एड्रेस पूरा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको लिखना पड़ेगा, जेंडर में फीमेल, यहाँ पर इंडियन, यहाँ पर रीजन आपका, ठीक है, मैरिड अनमैरिड लिखें, फादर्स का नेम लिखें, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पर 10वीं की बोर्ड का नाम आ जाएगा, फुल टाइम पार्ट टाइम किया, पासिंग कब आपने पास की, किस सब्जेक्ट कितना आपका रैंक रहा, ठीक है, तो वो आप लोग यहाँ पर डाल लेनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन, ठीक है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस हो तो वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपीरियंस का नाम, आपने कहाँ पर काम किया, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा फॉर्म भर के आप लोगों के लिए, ठीक है, जो मैंने आपको एड्रेस बताया उसे भेज देना, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये तो रहेगा पहला आपका नोटिफिकेशन, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम चलते हैं दूसरे नोट, देखिए यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर उन्होंने बताया
ये आपको 20 मई लास्ट डे रहने वाली है। आप लोग 20 मई तक यहाँ पे आवेदन आप लोग कर सकते हैं। और ये आपको जो रहने वाला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तहत सामाजिक उत्थान संस्थान में दोस्तों आपकी रहेगी भर्ती, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लें। चलिए अब चलते हैं दूसरा देख लेते हैं वहाँ पे क्या रहने वाला है दूसरा नोटिफिकेशन दोस्तों। ये रहेगी दूसरी वैकेंसी का नोटिफिकेशन दोस्तों, इसकी भी 20 मई लास्ट डेट रहने वाली है। यहाँ पर आपका पद रहेगा काउंसलर का, आपका पद यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। ये भी रहेगी कॉन्टेक्ट बेस पे आपके दोस्तों यहाँ भर्ती होनी है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, पहली जो रहेगी दोस्तों काउंसलर, ठीक है ना, यहाँ पे FLCC ये रहेगी आपकी नर्मदापुरम में रहने वाली है। मैक्सिमम जो आयु रहेगी 65 वर्ष रहेगी, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने ऑन किया हो, यहाँ पे आप किससे किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो UGC से, जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी उससे आपने किया हो, ठीक है, जैसे आपका हो गया बरदोला विश्वविद्यालय, ठीक है यहाँ पर। और इसके पश्चात दूसरा रोल दूसरा रहेगा, ये भी रहेगा काउंसलर का रहेगा, और ये रहेगा आपका बैतूल में, आपका ये रहने वाला है, ये भी काउंसलर का आपका रहेगा बैतूल में, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है कि जो यानी जो फ्रेश आवेदक हैं वो दोस्तों आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो सेनानिवृत्त आवेदन है वो ही आवेदन कर सकते हैं, यानी 20 साल का सर्विस उन्होंने की हो और 15 साल उन्होंने ऑफिसर कार्ड के रूप में आप लोग काम किया हो, ठीक है, और यहाँ पर एक्सपीरियंस दोस्तों मांगा हुआ है, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर बोलना आपको, ठीक है। तो ये मतलब उन आवेदकों के लिए भर्ती रहने वाली है जिन्होंने कहीं ना कहीं पहले से काम किया और सर्विस में आए हैं, वही लोग इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो उनके लिए ये पूरा रहने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको ये भर्ती रहेगी, ठीक है। सैलरी भी यहाँ पे आपको दी हुई है, अलग अलग सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। 15 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी हर साल, 1 साल के 15 दिन के लिए, और 1 महीने में 2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। जॉब प्रोफाइल आपको ये पूरा काम करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस बात करूँ मैं तो इंटरव्यू के आधार पर आपको सिलेक्शन यहाँ पर होना है, ठीक है। आप लोग 20 तक भेज देना है, कहाँ पर भेजना है इन आवेदन के लिए, तो जो आपको एड्रेस दिख रहा है इस एड्रेस पे आप लोगों को जो रहेगा आवेदन वो आपको यहाँ पर भेज देना है, ठीक है। यहाँ पर आवेदन फीस आपकी कुछ नहीं लगने वाली यहाँ पर, ठीक है। और ये रहेगा फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट आप लोग भर के जो मैंने एड्रेस बताया उस पर आपको भेज देना है, ठीक है। अब चलिए चलते कहाँ से करना आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड, ठीक है। अब देखिए आपको आना अपने मोबाइल पर दोस्तों, यहाँ पर आप लोग लिखना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये लिखोगे जैसे आप लोगों के तो आपके सामने इस तरह का ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा दोस्तों रिक्वायरमेंट पर, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ रिक्वायरमेंट पे। जैसे आप लोग क्लिक करोगे इसका जो होम पेज है वो हमारे सामने दोस्तों ओपन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये वाला इंगेजमेंट ऑफ, ठीक है, फैकल्टी ऑफिस असिस्टेंट और काउंसलर, कहाँ का भर्ती होनी है, नर्मदापुरम बैतूल होशंगाबाद, ठीक है, 20 मई लास्ट डेट रहने वाली। यहाँ पर जैसे ही आप लोग के लिए करोगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन है दोस्तों वो जाएगा डाउनलोड, ठीक है। तो ये हमारे सामने जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है, और आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का ये आपके सामने ओपन हो जाएंगी फाइल। अब देखिए मेरे सामने ये फाइल ओपन हो चुकी दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये फाइल, ठीक है, ये डाउनलोड हो गई। अब आपको करना है इस पर क्लिक, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो हमारे सामने ये जाएगा, फिर यहाँ से आप लोग मान लो रिक्वायरमेंट देखना आप लोगों के लिए, तो जिसपे आप क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे ये जाएगा इस तरह का, ये खुल जाएगा और यहाँ से आप लोग कर लेना डाउनलोड, ठीक है। तो ये मेरे सामने आप आ चुका। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, थैंक्स।